गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? नाउ टुडे आई एम गोइंग टू लर्न कन्वर्सेशंस क्लास वन. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. सम डे एगो वी हैव टू लर्न अबाउट माई सेल्फ कन्वर्सेशन एंड टुडे वी विल लर्न माई सिस्टर रवीना कन्वर्सेशन. मेरी बहन रवीना के कन्वर्सेशन को आज हम लोग पढ़ाई करेंगे. कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग को वीडियो भी देखना अच्छा लगता होगा. चलिए आज हम लोग रवीना, मेरी बहन रवीना, माई सिस्टर रवीना के बारे में कन्वर्सेशन को देखेंगे. ठीक है ना? चलिए, रेडी हैं आप लोग? है ना? देखिए, यहाँ पे अमर और प्रकाश हैं. कौन कौन है यहाँ पे? अमर. ओह, हेलो प्रकाश. वेयर्स योर सिस्टर्स रवीना? अमर कहता है. हेलो प्रकाश, तुम्हारी बहन रवीना कहाँ है? तो प्रकाश ने जवाब देता है, देखिए, सी इज स्लीपिंग. सी इज सो स्मॉल दैट सी स्लीप मोस्ट ऑफ द टाइम. वह सो रही है. वह इतनी छोटी है कि वह अधिकतर समय सोती रहती है. नाउ अमर, What else does she do? वह और क्या करती है? प्रकाश, She starts crying when she feel hungry. जब उसे भूख लगती है तो वह रोना शुरू कर देती है. बच्चों, यहाँ पे hungry का मतलब होता है भूख लगना, भूखा. Crying का मतलब होता है रोना. ठीक है ना? समझ रहे हैं? जो अंडरलाइनिंग है आप इसे कॉपी में हार्डवर्ड के रूप में लिखिए और लर्न करिए. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या बातें हुई. अमर, व्हाट हैपेंस देन? तब उसके बाद क्या हुआ? हैपेंस का मतलब होना. क्या हुआ? हैपेन, होना. व्हाट का मतलब क्या और देन का मतलब है तब. तो तब क्या हुआ है ना? प्रकाश, मम्मी गिव्स हर मिल्क. मम्मी, माँ उसे दूध पिलाती है या माँ उसे दूध देती है. गिव्स का मतलब देना. हर उसे, है ना, लड़की है, लड़की के लिए उसे लगा है. अगर लड़का होता तो हिम. ठीक है ना? तो यहाँ हर है, हर का मतलब उसे. चलिए आगे देखेंगे. Isn't she give a bath? क्या वह स्नान नहीं करती है? बाथ का मतलब स्नान करना. और क्या शब्द, क्या वह स्नान नहीं करती है? क्या क्वेश्चन शब्द है, पहले आया है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले है. इज नॉट या isn't she given a bath? चलिए समझ रहे हैं, आगे देखते हैं. सी इज Given a bath, mummy make her fresh at about 11 in the morning. वह स्नान करती है. माँ सुबह में, प्रातः काल में 11 बजे उसे स्नान कराती है. ठीक है. When does she play? वह कब खेलती है? When I come back from school, she like to play with me. जब मैं विद्यालय से घर लौटता हूँ तो वह मेरे साथ खेलना पसंद करती है. ठीक है. कम बैक, लौट जाना, है ना. कम बैक मतलब लौटना. लाइक मतलब पसंद करना. प्ले, खेलना. ठीक है. कम बैक लिखेंगे ये सब लेट वर्ड को, है ना. चलिए. ओह, There she has started crying. ओह, उसने रोना आरंभ कर दिया. Started का मतलब आरंभ कर देना, शुरू कर देना. ठीक है. और crying बच्चों पहले बताया थे रोना होता है, है ना. She may be hungry. उसे भूख लगी होगी. May be, हो सकता है. Hungry मतलब भूखा. ठीक है, तो उसे भूख लगा होगा. Let us go to school. Are you ready, Prakash?
हमें विद्यालय चलना चाहिए, लेट अस गो। मुझे चलना चाहिए, लेट अस गो टू स्कूल। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो प्रकाश? प्रकाश, यस, कम ऑन। बाय रवीना, हाँ चलो चले। अच्छा रवीना। बच्चों, आपके घर में भी अगर कोई बड़े सिस्टर या बहन भाई छोटे जो भी हैं, उनसे आप इसी तरह से छोटे छोटे सेंटेंस में बातें करिए, आपको बात करते करते अच्छा लगने लगेगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। हैव अ नाइस डे।